A warm welcome on online class of Prayag Public School. Today I am here with English teacher. You all have done your term 1 syllabus. Okay, now I am going to revise chapter number 3. What is the chapter name? The cap seller. What is the mean of cap seller? Topi bechne wala. You all know the story na? Aap sab pad chuke ho na ye story? What is the story? It is the story of a cap seller and some monkeys. Monkeys and cap seller. A cap seller was going to sell his caps in the market. And he got some rest under a tree. Okay? And he slept down. And monkeys came and took his all caps and climbed onto the branches of tree. When he woke up, he saw there is no any cap. He saw around him. He saw that all the monkeys wore his caps on their heads. Now, he used a trick, na? He used a trick and got back all his caps from the monkey. Ye story hai na? Bandaron ne uski kya ki thi? Caps ko le liya tha. Phir kya kiya tha? Usne ek trick ka use kiya. Usne usko pata chala ki log copy kar rahe hain. Isliye phir wo bhi usne bhi copy ki aur apni usne bola na shoo shoo. Phir wo log ne bhi bola shoo shoo. Phir usne kya kiya? Apni cap ko fek diya. Phir bandaron ne bhi kya kiya? अपनी कैप को अपने सर से फेंक दिया और फिर उसने फटाफट अपनी कैप्स ली और क्या हुआ, ही वॉक्ड अवे और वो दूर चला गया. तो कैप सेलर बहुत इंटेलिजेंट था ना. ओके बेटा, आज मैं आपको आई एम गोइंग टू रिवाइज ओके एक्सरसाइज. नाउ लुक हियर, व्हाट इज क्वेश्चन आंसर रिवीजन द कैप सेलर. क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वॉज द कैप सेलर गोइंग. कैप सेलर कहाँ जा रहा था? द कैप सेलर वॉज गोइंग टू मार्केट टू सेल हिज कैप. वो अपनी टोपियों को बेचने के लिए मार्केट जा रहा था. द कैप सेलर वॉज गोइंग टू मार्केट टू सेल हिज कैप. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द कैप सेलर सी व्हेन ही लुक्ड अराउंड. कैप सेलर ने क्या देखा जब उसने चारों तरफ अपने चारों तरफ देखा? तो उसने क्या देखा? उसने क्या देखा था? द कैप सेलर saw द मंकीज विद हिज कैप्स ऑन देयर हेड. उसने देखा था कि उसके चारों तरफ बंदर हैं और उन्होंने उसकी टोपियों को क्या कर सर में लगा के रखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड अ मंकी डू व्हेन इट गॉट डाउन. एक बंदर ने क्या किया जब वो नीचे उतरा? A monkey got down and peed into the basket. बंदर नीचे उतरा और उसने बास्केट में क्या किया? झांका. Peep means क्या होता है? झांकना. Peeped means झांका. Okay? What happened when the cap seller threw his cap down? क्या हुआ? Happened means घटना ना, क्या घटित हुआ? जब cap seller ने अपनी टोपी को नीचे फेंक दिया. Throw means फेंकना, threw means फेंका. क्या हुआ जब कैप सेलर ने अपनी टोपी को नीचे फेंक दिया? When the cap seller threw his cap down, seeing him all the monkeys threw their caps down. जब कैप सेलर ने अपनी कैप को नीचे फेंका तो उसको देखकर सभी बंदरों ने अपनी टोपी को क्या किया? नीचे फेंक दिया. ओके नाउ अब आफ्टर दैट आपकी एक्सरसाइज में क्या है? Open chapter number 3, open your book now and page number 26, ठीक है? Question answer मैंने आपको explain कर दिया. Now, match the following, fell, lay, opened, threw, walked, अब A में है, column B में है, basket, his cap, asleep, away, down. तो नंबर 1 फेल को किसके साथ मैच किया है हमने? सी के साथ. फेल असलीप यानी
फेल अस्लीप में तेरे सो गया। ले, ले को किसके साथ मैच किया, डाउन, ले डाउन मीन्स लेट गया, ठीक है। ओपेंड बास्केट यानी बास्केट को खोला। नंबर फोर है थ्रू, थ्रू को किसके साथ मैच किया है, थ्रू हिज कैप, अपनी कैप को उसने क्या कर दिया, फेंक दिया। वॉक्ड, वॉक्ड को किसके साथ मैच करेंगे, अवे यानी दूर चला गया, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, अब क्या है क्वेश्चन नंबर सी, पेज नंबर 27। द कैप सेलर क्विकली पिक्ड अप ऑल हिज कैप्स, कैप सेलर ने पिक्ड मीन्स क्या होता है, उठाया, और क्विकली मीन्स जल्दी से, तो इसमें हमने पिक्ड फिल किया है ना आपने नंबर वन में, तो कैप सेलर ने तुरंत अपनी कैप्स उठाई और चला गया, ठीक है। ही लिफ्टेड हिज हैंड एंड सेट सू, लिफ्टेड मीन लिफ्ट मीन्स होता है उठाना, लिफ्टेड मीन्स उठाया, ठीक है बेटा। ही लिफ्टेड हिज हैंड एंड सेट सू, उसने अपना हाथ उठाया और क्या बोला, शू। नंबर थ्री है ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ द मंकी, उसने अपने चारों तरफ मंकी को, बंदरों को देखा, उसने अपनी चारों तरफ बंदरों को देखा। ऑल ऑफ देम क्लाइम्ड बैक ऑन टू द ब्रांचेस, उनमें से सभी, क्लाइम मीन्स क्या होता है, चढ़ना, क्लाइम मीन्स चढ़ गए, उनमें से सभी वापस पेड़ की डालों पर चढ़ गए। ही ले डाउन अंडर अ ट्री, वह एक पेड़ के नीचे सो गया, ठीक है। ले डाउन मीन्स लेट गया ना, वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। अब गिव द मीनिंग, अब आप मीनिंग लिखा है आपने। क्वेश्चन नंबर ई, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, बेटा इसमें ये वर्ड्स आपको कंप्लीट करने थे, बहुत सारे बच्चों ने उस बार नहीं किया था, अब आप इसको कर लोगे, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, पेज नंबर 29 में ग्रामर है, मैंने सारा बुक आपको फिल करा दिया है ना इसको मैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर ए में है, पेज नंबर 29 में ग्रामर में, दिस और दिस, दिस मीन्स यह, दिस मीन्स ये, दिस एक के साथ यूज़ होता है और दिस आपका मेनी यानी बहुत के साथ, एक से ज़्यादा के साथ मेनी का यूज़ यानी दिस का यूज़ होता है, ठीक है। सर्किल द वर्ब्स, वर्ब मीन्स क्या होता है, एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड्स इसको हम बोलते हैं, ठीक है, यानी सिंपल लैंग्वेज में काम या वर्क, ठीक है। अब जैसे ही वेंट टू द मार्केट, तो गया, यहाँ पे वेंट है आपका। इसी तरह मैंने आपको यहाँ पे वर्ब सर्किल किए हैं, सिटिंग यानी बैठना, क्लाइंब मीन्स चढ़ गया, टेक मीन्स लेना होता है, टुक मीन्स लिया, लुक्ड मीन्स देखा, ये सब आपके वर्ब्स हैं, इनको भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया। और क्वेश्चन नंबर सी क्या है, आ और एन का यूज़ है, आ मीन्स भी एक, एन मीन्स भी एक, लेकिन जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं तो बी यूज़ आ, ठीक है। जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते, कॉन्सोनेंट और वॉवेल आपने पढ़ा, वॉवेल यानी ए ई आई ओ यू, और उसके बाद जो भी लेटर्स हमारे अल्फ़ाबेट में जो बसते हैं वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, तो आप क्लास यू के जी से पढ़ रहे हो ना, तो वॉवेल, जो वर्ड्स वॉवेल से स्टार्ट होते हैं उनके पहले हम एन का यूज़ करते हैं, और जो वर्ड्स हमारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके पहले हम आ का यूज़ करते हैं। आ मीन्स भी एक, एन मीन्स भी एक, लेकिन इनका यूज़ डिफरेंट है ना। अब क्वेश्चन नंबर डी है आपका, फिल इन द ब्लैंक विद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या होता है, इन, ऑन, अंडर, ठीक है, अपॉन, ये सब है, ये भी मैंने फिल करा दिए हैं, तो अब आप इनको एक बार क्या करोगे, रिवाइज कर लोगे। एंड व्हाट इज़ योर होमवर्क, क्वेश्चन आंसर मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया है ना, आप क्या करोगे, आप 5 क्वेश्चन आंसर आप बिल्कुल लर्न कर लोगे, लर्न करने के बाद आप होमवर्क कॉपी में लिखोगे, मैं आपको इसको फिर नेक्स्ट डे ट्यूसडे को मैं चेक करूँगी, मंडे को आप वीडियो देखोगे, ट्यूसडे को मैं चेक करूँगी, आप सेंड करोगे होमवर्क में, ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है बेटा। और मैं आपको नोट्स भेजूँगी, उसको आप क्लास वर्क कॉपी में अच्छी तरह से गुड हैंडराइटिंग में हेडिंग डालकर और अंडरलाइन करके जैसे मैंने लिखा है वैसे एज इट इज़ आप लिखोगे अच्छी हैंडराइटिंग में, ओके। एंड नाउ हैव अ गुड डे।